Shining Star Presents Audio Drama Dileb Behram. This drama is written by Aksa Sheikh, directed by Aksa Sheikh and Ahmed Aziz, edited by Ahmed Aziz and Arham Javed, produced by Zain Ahmed Naqvi. एक अंधेरे कमरे में एक लड़का बैठा दिखाई देता है जो खुद कलामी कर रहा होता है। दिले मुस्तर को समझाया बहुत है, मगर इस दिल ने तड़पाया बहुत है। कयामत है ये दरके आरज़ू भी, हमें अक्सर वो याद आया बहुत है। तबस्सुम भी, हया भी, बेरुखी भी, ये अंदाज़े सितम भाया बहुत है। रहे हस्ती के इस चलते सफर में, तुम्हारी याद का साया बहुत है। तुम देख रही हो ना, तुम्हारा आज़िर किस कदर ना खुश है तुम्हारे बगैर। तो क्यों नहीं हो तुम मेरे साथ, हाँ जवाब दो ना, क्यों? तुम्हें मालूम है तुम नहीं हो मेरे साथ, मगर तुम्हारी खुशबू मुझे अपने इर्द गिर्द की हर चीज में महसूस होती है। तुम जानती हो मुझे एक ही शिकवा रहा है कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ मुझे क्यों नहीं बुलाया। तुम खुद तो चली गई, मगर अपनी खुशबू मेरे आस पास ही छोड़ गई हो। तुम्हारी खुशबू मुझे कभी तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास ही नहीं होने देती। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल अब भी नहीं मानता। ऐसा लगता है कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ अभी भी है और आइंदा भी रहेगा। अबीर, पापा, I miss you so much, पापा। आपको अंदाज़ा भी नहीं है आपने इतने कम वक्त में अपनी अबीर गुड़िया पे कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ डाल दी हैं। कल मेरी जॉब का पहला दिन है, आपको याद है ना पापा, जब मेरा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का पहला दिन होता तो मैं आपसे मिलकर दुआएं लेकर घर से जाती थी। लेकिन जॉब
जॉब का तो मैंने सोचा भी नहीं था। आपने कहा था ना कि अबीर तुम्हारे नाम का मतलब खुशबू है, तुम जहाँ भी जाओगी उस जगह को अपनी खुशबू से मुअत्तर कर दोगी और वो खुशबू इखलाक की होगी। बस मुझे अपने पापा की तरह सुपर हीरो बनना है। ऐ अल्लाह मुझे मेरे पापा की तरह स्ट्रॉन्ग बना दे, आमीन। नाश्ते की मेज के पास आजर आता है और कुर्सी खींचकर बैठता है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा उड़ गया, और ये तुम्हारी आंखें इतनी क्यों सूज रही हैं? कुछ नहीं, बस वो ऑफिस का कुछ काम था तो रात से बस जाग रहा था। ऑफिस का काम या महबूब का गम? अम्मी बेटा क्यों हलकान कर रहे हो अपने आप को, क्यों एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते? बेटा मेरा दिल कटता है तुम्हें इस तरह देखकर। तुम बाहर से एक स्ट्रॉन्ग मर्द दिखाई तो देते हो, मगर मैं जानती हूँ तुम अंदर से बहुत टूट चुके हो मेरे बेटे। लौट आओ अपनी जिंदगी की तरफ और लौटा दो मुझे मेरा हंसता मुस्कुराता हाजिर। मेरा तुम्हारे सिवा और है ही कौन? अम्मी वो मेरी मुस्कुराहट भी अपने साथ ही ले गई है। अब मुस्कुराने की कोशिश भी करता हूँ तो नाकामी का ही मुंह देखना पड़ता है। आज़र प्लीज फॉर गॉड्स सेक। अच्छा ना अम्मी, अब बस भी करें। अच्छा ऐसा करते हैं, आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ। अल्लाह मेरे बेटे को हमेशा खुश रखे, आमीन। हाँ अम्मी उठ गई हूँ मैं। अरे वाह आज तो बड़ी जल्दी उठ गई मोहतरमा, वरना उठाते रह जाओ जो एक आवाज पर उठ जाए। अच्छा खैर अम्मी, ये आयरा और फाहद कहाँ हैं? आज कॉलेज नहीं जाएंगे दोनों? आपी 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 क्या हुआ, क्यों इतने खुश नजर आ रहे हो? कॉलेज में कोई फंक्शन है क्या? नहीं आपी, हम आपको गुड लक कहने आए हैं। एक्चुअली आपके ऑफिस का फर्स्ट डे है ना? कॉलेज तो हम जाते ही हैं एज यूजुअल, बगैर किसी फंक्शन और विदाउट एनी रीजन। चले जाएंगे कॉलेज, पहले आपको गुड लक विश तो कर दें। बस बस अब ज्यादा ड्रामे नहीं, विश कर दिया ना? आपी बस एक बार आपको सैलरी मिल जाए फिर हम अच्छी सी पार्टी करेंगे। गुड आइडिया। कोई पार्टी शार्टी नहीं होगी, अब फजूल खर्ची बंद कर दो तुम दोनों। अम्मी चलो अब जाओ। एक लड़की गेट स्लाइड करते अंदर आती है। हाय आज़र। हाय। कम ऑन आज़र, तुम हर वक्त इतनी संजीदगी का लबादा खुद पे क्यों ओढ़े रखते हो? मतलब यू हैव टू मूव ऑन एंड हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी एक के चले जाने से तुम्हारी लाइफ नहीं रुक जाएगी। ये तुम कह रही हो जबकि वो तुम्हारी बहन थी। हाँ क्योंकि वो जितना मेरी क्लोज थी उतना ही तुम हो आज़र। Well, I don't wanna talk about. कोई काम था? हाँ वो मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट
अब आपको इतनी भी जहमत करने की जरूरत नहीं है। वो प्रोजेक्ट मिस तानिया असगर के हैंडओवर कर दिया गया है। आज़र, हाउ कैन यू डू इट? मिस सबरीना औरंगजेब, ये मेरा ही इख्तियार है, रिमेम्बर? नाउ यू कैन गो। आज़र अपने कमरे में कुर्सी पर टेक लगाए बैठा होता है कि एक मंजर उसके ज़हन के पर्दे पर जाहिर होता है। कैसा लग रहा हूँ मैं? सुनिए। जी, फरमाइए माय स्वीट हार्ट। ये ब्लू शर्ट मत पहना करें। क्यों? अच्छी तो है। हाँ, अच्छी तो है, और इसे पहनने वाला पहनकर और भी डैशिंग लगता है। अच्छा, जब आप इसे पहनते हैं ना, तो लड़कियां आपको मुड़ मुड़ कर देखती हैं। अबीर, तुम भी ना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। आज़र, आज़र। हमजा की आवाज पर आज़र जैसे हाल से माजी में वापस आता है। हाँ, कहाँ देहान है? नहीं, तुम बताओ, कोई काम था? उसने उसकी टेबल पर फाइल रखते हुए कहा। हाँ, मिस्टर कमाल के प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, चेक कर लेना। ओके। आज काफी टाइम बाद ब्लू कलर, अच्छा लगता है वैसे तुम पे। अबीर भी यही कहती थी। तुम कब तक अपने आप को यूं अजियत देते फिरोगे? देखो, ये जिंदगी बहुत कीमती शय है, इसको यूं तो जया ना करो। जिंदगी? वो तो 2.5 साल पहले ही मुझसे रुखसत हो चुकी है। अब तो मैं बस सांस ले रहा हूं और चल फिर रहा हूं। आज़र, लीव इट। तुमने डॉक्टर कुबरा से अपॉइंटमेंट ली है? हाँ, कल 3 PM पे यूनिवर्सिटी चले जाना। कौन हो और ये क्या तरीका है विदाउट परमिशन किसी के रूम में दाखिल होने का? अबीर थोड़ी नर्वस नजर आती है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। वो मुझे मालूम नहीं था, आई एम सॉरी। ओह, मालूम नहीं था, स्ट्रेंज। देखें, मैं सच में नहीं जानती कि ये आपका रूम है। मैं तो बाय मिस्टेक यहाँ आई, और ना मुझे तो तानिया मैम। अबीर की बात अधूरी रह जाती है जब वो एक लड़की को अंदर आते हुए देखती है। तुम्हें क्या लगता है सबरीना, हर कोई तुम्हारी तरह की ही हरकतें करेगा? ये अबीर है एंड शी इज न्यू हियर। और हाँ, विदाउट परमिशन तुम एंटर होती हो जासूसी करने के लिए, ये नहीं। चलो अबीर यहाँ से। हाउ डेयर शी, आई विल सी यू तानिया। आज़र राहदारी में चलते चलते रुक गया। उसने दरवाजा खोला जो चरचराता हुआ खुलता गया। कम इन मैम। यस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, प्लीज हैव अ सीट। तो फरमाइए मिस्टर आज़र। आज़र अल्फाज ढूंढ ही रहा था कि कमरे में खामोशी का राज हो गया। कुबरा ने खामोशी तोड़ी। तुम अपनी वाइफ की डेथ की वजह से डिस्टर्ब हो, राइट? मैम, मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालने की, लेकिन किस तरह? अपने आप को कामों में मसरूफ कर लेता हूँ और कुछ बुक्स भी पढ़ता हूँ जो मुझे
इस डिप्रेशन नामी मर्ज से निजात दिलाएं। मगर आप फिर भी नाकामी को अपने सामने देखते हैं, राइट? आज से मैं तुम्हें गाइड करूंगी। ओके, एक बात पूछूं मैम? ओ प्लीज, ये मैम ना कहो, आई एम नॉट योर मैम। और हाँ पूछो। ये कौन थी? ये हमारे ऑफिस की सबसे नकचिड़ी, घमंडी, फैशनेबल और बदतमीज लड़की सबरीना है। ओके, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? साथ रहोगी तो जान जाओगी। अच्छा, और मैम ना कहूँ तो क्या कहूँ आपको? सिर्फ तान्या, और आपको नहीं, तुमको। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। आजर ने महज असबात में गर्दन को जुम्बिश दी। क्या आप जानते हैं कि अगर इश्क मजाजी में किसी को शिकस्त हो जाए ना, तो उस इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को इश्क हकीकी में मुब्तला कर ले। पता है क्यों? क्योंकि टूटे हुए दिल को अल्लाह के सिवा दुनिया की कोई ताकत भी जोड़ नहीं सकती। मगर इश्के हकीकी में मुब्तला होने वाले लोग इश्के मजाजी से अक्सर धोखा खा जाते हैं। मेरी तो मोहब्बत ही इस दुनिया में नहीं रही, तो भला वो दुनिया वालों जैसी कैसे होती? आपको किसने कहा कि लोग धोखा खाने के बाद ही अपने खालिक से मोहब्बत करते हैं? देखिए, धोखा खाने वाले अक्सर उनसे दूर हो जाते हैं, ऐसा ही है। मगर आपकी वाइफ आपके साथ मुखलिस थी ना? मगर उन लोगों में जिनको धोखा मिला और आप में, और उनमें क्या फर्क है? सिर्फ इतना कि उनकी तरह आपकी भी लाइफ पार्टनर आपके साथ नहीं है, आपसे दूर है। पता है, सिर्फ इसमें एक चीज आपके लिए कारामद हो सकती है। खैर, बातें तो होती रहेंगी, आप बताएं क्या लेंगे? कॉफी। एक ग्रीन टी एंड एक कप कॉफी ले आएं। और वो करामत चीज पता है क्या है? वो है सब्र, सिर्फ और सिर्फ सब्र। आप ये तो सोचते हैं कि अबीर आपको सबसे ज्यादा महबूब थी, लेकिन एक और बात भी है जो आपको मजीद सब्र करने की तरफ रागब कर सकती है, और वो पता है क्या है? आप सिर्फ इतना सोच लें कि जिस शख्स से आपको बेपनाह मोहब्बत थी, वो अल्लाह को भी तो महबूब शख्सियत होगी ना। और अब खुद ही सोचें कि जो अल्लाह को चीज महबूब होती है, तो क्या इंसान उस पे कादिर है? और उसका गम इंसान क्यों करे? देखिए मिस्टर, अल्लाह पे भरोसा रखिए। आई अंडरस्टैंड, आपका रिश्ता ऐसा है कि आपका इस तरह डिप्रेस्ड हो जाना जायज है, मगर चले जाने वाले का गम इस तरह करना कि अपनी जिंदगी को खुद पे तंग कर लेना, अपनी तरफ आने वाली तमाम खुशियों को रोक देना और अपने ऊपर गम को हावी कर लेना, दैट्स नॉट गुड। एक बूढ़ा शख्स हाथ में ट्रे लिए अंदर आता है। शुक्रिया। मगर मैम, मैं अल्लाह की जात से मायूस नहीं हूं। हमने एक साथ जिंदगी गुजारने के वादे किए थे, एक साथ हर खुशी हर गम को फेस किया था, तो इस तरह अचानक वो मुझे जिंदगी के सफर में तन्हा छोड़ जाएगी, तो आप ही बताएं ना, मैं और क्या करता? देखिए मिस्टर आज़र, प्लानिंग्स दो तरह की होती हैं, एक इंसान करता है और एक रहमान। और अगर इंसान रहमान की प्लानिंग्स को जान लेना, तो वो कभी भी तबाही के घड़े में नहीं गिरेगा। मैम, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और अब मैं आपसे
और अपने आप से ये वादा करके उठता हूँ कि अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। That's great. आ गई तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। आपी? हाँ कहो। आपी, मुझे कॉलेज में एग्जामिनेशन फीस सबमिट करवानी है, अगर आपके पास थोड़े पैसे हो तो दे दें। आयरा थोड़ा वेट करो, मैं अरेंज कर दूंगी। मगर आप भी थोड़ा जल्दी कर दें, मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, वरना वो मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र रहो, मैं दे दूंगी। आसमान की निलाहट दोदिया सुबह में तब्दील हो रही है। आजर अभी तक मुसल्ले पर बैठा हुआ है। या अल्लाह, मुझे मालूम है मैं आपका गुनहगार बंदा हूं, मगर आप तो बहुत रहीम है ना, सबसे ज्यादा रहम करने वाले, दुनिया के हर शख्स से कहीं ज्यादा रहम करने वाले। अपने इस बंदे की खताओं को माफ कर दे अल्लाह। मैंने आपकी दी हुई आजमाइश के बाद खुद पर मायूसी को तारी रखा, मैंने खुद पर खुशी के सारे दरवाजों को हमेशा के लिए मुकफ्फल कर दिया, मैंने अपने आप पर सख्त कौल चढ़ाए रखा, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी इन गलतियों से मेरे अपनों को भी सजा भुगतनी पड़ी। मगर अब मैं आपसे और अपने आप से ये वादा करता हूँ कि आज से मैं पहले जैसा आज़िर बनने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐ अल्लाह, मुझे हिम्मत अता फरमा ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की तारीकियों से निकलकर अपनी ज़िंदगी में उम्मीद की किरणों को शामिल कर लूँ। ऐ अल्लाह, मुझ पर अपना करम फरमा। आमीन। क्या हुआ, आज तुम बुझी बुझी क्यों लग रही हो? नहीं तो नहीं, कुछ तो जरूर है, जल्दी बताओ। शाबाश यार, मुझे अपनी बहन की कॉलेज में फीस सबमिट करानी है, लेकिन अगर सर से एडवांस सैलरी की बात की तो कहीं जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ओह, तो ये बात है, तुम ऐसा करो अभी तुम मुझसे ले लो। नहीं नहीं तानिया, मैं उधार ले लो यार, सैलरी आने पे वापस कर देना। थैंक यू तानिया, अगर तुम ना होती। बस भी करो, मेरी इतनी तारीफ ना करो। सो स्वीट ऑफ यू। हमजा, वो जो बैंक की बिल्डिंग का आर्किटेक्चरल मॉडल तानिया को बनाना था, रेडी है? वो मुकम्मल कर रही है, एक्चुअली उसमें कुछ फॉल्ट्स थे जिन्हें वो रिकवर कर रही है। क्या होगा आप सबका, एक हफ्ते में एक मॉडल तक नहीं बना सके? तानिया को मेरे पास भेजो, बल्कि रुको, मैं खुद उसके पास जाता हूं। अबीर और तानिया एक दूसरे पर कागज के गेंद बनाकर फेंकने में सबकत ले जाना चाहते थे। रुको तानिया, कहाँ जा रही हो? कि अचानक किसी की आमद पर फिर वो चौंके। ये क्या हो रहा है यहाँ?
और आप अपना तारुफ तो करा दें। सर ये न्यू है यहाँ। सर मैं अबीर हूँ। कब से ज्वाइन किया है आपने? सर आज मेरा फोर्थ डे है इस जॉब पर। ये 4 दिन से यहाँ काम कर रही है और किसी ने मुझे इन्फॉर्म तक करना गवारा नहीं किया। सर वो एक्चुअली ट्यूसडे यानी जिस दिन अभी आई थी उस दिन आप कहीं विजिट पे गए हुए थे। परसों आपकी एक साथ 2-3 मीटिंग्स थी और कल आपने ऑफ लिया था और फिर। अच्छा बस, ज्यादा वजाहतें नहीं मांगी मैंने। और वो मॉडल कल तक मुझे रेडी मिलना चाहिए। अंडरस्टूड? Listening audio drama Dilip Berehm, the lead cast of this drama are Muhammad Hafiz Javed as Azir, Fatma Khan as Abir. The other cast are Shrita Agrawal as second Abir, Kavita Chaudhary as Tanya, Amar Awesi as Hamza, Ariba Shehzad as Saima, Neelam Hussain as Nahe, Aksa Ahmed as Aira, Hassam Raza as Fahad, Zameer Haider as narrator, Savera Riaz as Dr. Kubra, Maryam Amjad as Sabrina.